Dear students, assalamu alaikum. Hopefully you will be greatly blessed with the health. And today's our topic is making a card, and today's lecture is lecture 4 of this topic. And let's try to understand what's the topic and activities. We have done the three questions of this topic already. Today we will do remaining three question answers. Question number 4, why do we make greeting cards? In this question we have to tell why reasons. What are the reasons for making the greeting cards? Let's try. We make greeting cards for. We have to tell the reasons. Okay, what are the reasons we will share? I will try to share some reasons with you, and you can also write some reasons by your own self. We make greeting cards for expressing our feelings. हम अपने जज्बात के इजहार के लिए greeting cards बनाते हैं. Showing our love. मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए, किसी से प्यार मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए. कौन पर्सन हो सकते हैं जो हमारा करीबी या जो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है. वी मेक ग्रीटिंग कार्ड फॉर डेवलपिंग स्ट्रांग बॉन्डिंग. स्ट्रांग बॉन्डिंग मीन्स कि हम एक मज़बूत रिश्ता बनाने के लिए भी डेवलप ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं. कन्वेइंग गुड विशेज, किसी को नेक तमन्नाओं का इजहार करने के लिए भी ग्रीटिंग कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं. वी मेक ग्रीटिंग कार्ड फॉर इंश्योरिंग ब्रदरहुड. ब्रदरहुड मीन्स के भाईचारा, यानी कि उहुवत, जज्बा, रिश्ता, मजबूत रिश्ता. शोइंग केयर एंड अफिनिटी. वी मेक ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर इंश्योरिंग ब्रदरहुड एंड शोइंग केयर एंड अफिनिटी, यानी किसी से मोहब्बत, ख्याल, केयर, देख रिश्ता के लिए हम ग्रीटिंग कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं. वी कैन यूज़ दीज वर्ड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सम वन इन आवर लाइफ. इफ़ वी हैव टू शेयर द ग्रीटिंग कार्ड्स, व्हाट, व्हाई? बिकॉज वी विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रीटिंग कार्ड्स वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू a person who is very loved one, to dear one to us, are having a great importance in our life, जिसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. वो एक टीचर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, एनी वन, बट हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Why do you think that card is a good way to express our feelings? यानी card क्यों हमारे, आप क्यों समझते हैं कि card क्या एक अच्छा तरीका कार है हमारी feelings को, जज्बात को बयान करने के लिए. We think that a card is a good way to express our feelings because it is a mean of expressing our strong emotions to our dear ones, यानी कि जो एक अच्छा तरीका कार है जिससे हम अपनी अपने प्यारों को, जो हमारा अजीज़ है, उनसे हम एक मजबूत जज्बाती रिश्ते का इजहार करने के लिए, बयान करने के लिए एक अच्छा तरीका ज़रिया है. एन इफेक्टिव टूल टू एक्सप्रेस आवर लव एंड गुड विशेज, यानी किसी से अपनी मोहब्बत और नेक तमन्नाओं को बयान करने के लिए एक अच्छा तरीका कार है, या एक अच्छा आला है, टूल है, पूरा बासर. अ वंडरफुल वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स ऑन स्पेशल इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ, यानी कि दूसरों से एक खास इवेंट्स पर, स्पेशल इवेंट्स पर. हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट स्पेशल इवेंट्स आते हैं, वो हमारी बर्थडे हो सकती है, किसी फ्रेंड्स की बर्थडे हो सकती है, ठीक है, इसी तरह टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ईद इवेंट्स एंड एनी अदर इवेंट विच इज़ रिलेटेड टू द आवर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी से, जिसका हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, उससे इन कार्ड्स के ज़रिए हम अपने जज्बात को बयान कर सकते हैं. एन ईजी वे टू शो इक्वालिटी, ब्रदरहुड एंड अफेक्शन, एक अच्छा और आसान तरीका कार है इक्वालिटी और ब्रदरहुड मोहब्बत को शो करने के लिए. अ वंडरफुल मीन ऑफ डेवलपिंग स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ अफिनिटी टू आवर लव वन, एक इंतहाई शानदार, एक शानदार जरिया है जिससे हम
मोहब्बत और एक मोहब्बत का एक स्ट्रांग बॉन्ड यानी कि एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं अपने अजीज़ों से, प्यारों से या दोस्तों वगैरह से। राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ कार्ड। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द स्टेप्स विच आर विच यू हैव टू फॉलो फॉर राइटिंग द फॉर मेकिंग अ कार्ड एंड ड्राइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार्ड्स। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।